आइए तो स्टार्ट करें। हम पहला टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन जो हमारा CHSL का लिया मैंने टेस्ट, वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि विष्णु दो आर्टिकल एक्स और वाई को हर प्रत्येक को 600 में बेचा। एक्स को 20% गेन हुआ है और वाई को 20% आपका लॉस हुआ है। जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि जब SP हमारा SP इक्वल हो, SP दोनों आर्टिकल का मेरा इक्वल हो, तो फर्स्ट को एक्स परसेंट प्रॉफिट पे तो हमारा ओवरऑल परसेंट हो जाता है, तो हमारा ओवरऑल का लॉस होता है। और वो लॉस होता है क्या होता है, 20 × 20/100 का, यानी हम काटेंगे हमारा 4% का ओवरऑल लॉस हो जाएगा। क्लियर है, तुम्हारा 4% का लॉस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिसो ने डीलर सेलिंग शुगर 40 रुपया केजी एंड प्रिटेंडिंग दैट द ही सेलिंग एट ए लॉस ऑफ ₹5 पर केजी, बट ही एक्चुअल गिव्स 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। मतलब बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि देखिए, मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बताया था कि रियल वेट, हमको ये तीन बात बताया था मैंने। रियल वेट तो आप यहाँ पे देखो, रियल वेट वो क्या था कि दुकानदार ने 40 रुपया प्रति किलो बेचा, चीनी बेचा, जिसमें से वो कहा कि 5 रुपया लॉस पे बेचते हैं। इसका मतलब है कि एक्चुअल वेट 45 था और वो आपको 40 रुपया के लॉस पर बेचा, लेकिन वह कहता है कि वो 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम देता है। तो देखिए, 1 किलोग्राम मतलब रियल मेरा 1000 था और वो 800, 1000 था और मैं यहाँ पे वो मेरा 800 देता था। क्लियर, तो मैं इस चीज़ को अगर आप चाहो तो रेशियो से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे रेशियो बैलेंस कर देते हैं, इसको रेशियो लीजिएगा, आपका हो जाएगा 5 से काटोगे 9, 5 से काटोगे 8 हो जाएगा, इसको काटोगे 00, इसको काटोगे 00 और यहाँ से हो जाएगा 4:5 आ जाएगा। क्लियर, तो हम देखिए रियल वेट को बैलेंस कर देंगे। तो रियल वेट को बैलेंस करोगे तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा 9 × 4=36, 9 × 5=45 और 9 × 5=45 और 8 × 5=40 हो जाएगा। अब देखिए, यानी हमारा ये देखिए, मैंने समझाया था कि जो दुकानदार जितना वो कस्टमर को सौदा देगा उतना वो उसका CP हो जाता है, यानी हमारा CP 36 है और वो बेचा है 40 में, यानी हमारा 4 का प्रॉफिट हो गया, यानी 36 पर और इंटू आपका 100 करोगे 4/9 आ जाएगा। 4/9 का मतलब होता है, 4/9 का मतलब होता है 11 होल 1/9% का गेन हो जाएगा, 11 होल 1/9% का गेन हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, रियल वेट वो सवाल कह रहा था, वो आप दोबारा से सुन लेना वीडियो। रियल वेट 45 था, वो 40 पे भेजा, लेकिन एक्चुअल में हमारा क्या होता है, रियल वेट 100 होता है, 1000 होता है, और वो क्या कहता है, सेलिंग वेट 800 ग्राम कम तोल रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि रियल वेट को बैलेंस कर दिया, तो हमारा 36 CP हो गया, 40 SP हो गया, तो 4 का मुझे प्रॉफिट हो गया, किस पर, 36 पर मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सुधीर ने अपने वस्तुओं को उत्पादन लागत केवल से 8% अधिक पर बेचने का दावा कर दिया। सुधीर कहता है क्लेम टू सेल हिज आइटम्स एट ओनली 8% अबव द कॉस्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट यूज ए वेट दैट 750 ग्राम रिटेन ऑन इट्स थ्रू दैट एक्चुअल वेट ऑफ 720 ग्राम। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है कि सुधीर अपने वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा कहा कि भैया मैं जो भी है, जो भी मुझे कॉस्ट लगा है उस पर मैं 8% ज़्यादा पे बेचूंगा, लेकिन वो जब बेच रहा था तो ऐसे बाट का यूज करता है कि 750 ग्राम लिखा हुआ है, 750 ग्राम लिखा हुआ था, हालांकि वास्तव में उसका वजन 750, मतलब रियल वेट। आप यहाँ से भी देखो, तो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से कहता हूँ कि रियल वेट से वो कहता 8% ज़्यादा पे सोल्ड करेगा। 8% ज़्यादा का मतलब होता है 8% का मतलब होता है 2/25, यानी अगर रियल 25 है तो वो 27 में सोल्ड करेगा, बेचेगा 27 में, ऐसा उसने कहा। लेकिन वो 750 ग्राम लिखा हुआ था और बेचता कितना है, तो देखिए एक्चुअल में वो 750 ग्राम था और बेचा कितना, 720 ग्राम। तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहो तो रेशियो ले लो, यहाँ से रेशियो ले लो,
जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ से काट दो, तीन से काट दो 24 और तीन से काट दो 25। देखिए बैलेंस हो गया, यानी हमारा ए बैलेंस हो गया, ए हमारा हो गया सीपी हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो गया। तो सीपी मेरा कितना हो गया 24 और एसपी कितना हो गया मेरा 27। प्रॉफिट कितने का हो गया 3 का, 3 का प्रॉफिट किस पे हुआ 24 पर। आई इंटू कितना हो गया 100 आपका, यानी 3×8=24, 1/8 का मतलब कितना होगा 12.5% का प्रॉफिट हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने होम थिएटर को 14,400 में बेचता है, 25% की हानि होती है, लेकिन वो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए होम थिएटर को कितना में देखे 14,400, तो 14,400 को उसने सोल्ड किया है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस 14,400 है, 25% लॉस पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा 75, और वो पूछ रहा है निकालने के लिए कि 20% का लाभ लगाने के लिए तो 20% पे लाभ पे कितना बेचना होगा। यहाँ से काट दीजिए 15×5=75, 15×8=20 आ से 8 बार में कटा है भाई, है ना, इसको काट देंगे 5 से काट दीजिए, 5×2=10, 15×8=40, 5×2=10, 15×8=40, 15×8=40 हो जाएगा मेरे भाई, यानी ए और जीरो 8 से गुना कर दो, 0×8=64 8×2=64 226, यानी 2260, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया हूँ, यानी काट देंगे 15×5=75, 15×8=20 से, ठीक है 5 से काट दो ना, 5×2=10, 15×8=40, 15×8=0, ठीक है गुड, यानी मैं 0, 8×8=64 बाकी हाथ में 6, 8×8=64 6×70, ये मेरा कैलकुलेशन मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे, यानी 0, 8×8=64 बाकी 6, 8×8=64 6×70, 8×2=16, 7×23 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए कल मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कहता है कि ए शॉपकीपर सेल्स राइस एट ए कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए फॉल्टी वेट, मतलब कहता है एक दुकानदार कहता है कि भाई मैं रियल वेट पे ही बेचता हूँ, मतलब जितना मैं खरीदा हूँ ना वो ले जाओ, मतलब रियल वेट हमारा कितना होता है 1000 होता है, वो ग्राहक को कहा ले जाइए ना 1000 में खरीदें 1000 में ले जाइए, फॉल्टी वेट, लेकिन वह जब मशीन एंड 10 गेन है प्रॉफिट टर्न ओवर, लेकिन जब बेच रहा था ना तो वो 25% क्या करा ना, कहता है कि फॉल्टी वेट का यूज करता है, मतलब 1000 आपने मांगा, उसने 1000 कहा कि ठीक है 1000 ले जाइए 1000 ग्राम ले जाइए, लेकिन उसने कुछ गलत बाट का प्रयोग किया, मतलब 1000 से कम दिया, तो वो कहता है कि कितना कम दिया और 25% का प्रॉफिट करता है। तो देखिए हम जानते हैं कि रियल वेट 25% का प्रॉफिट किया है, यानी सीपी और एसपी, यानी 4 से 5 हो गया, तो 1000 को हमारा कर देंगे भैया 5 से 4 कर देंगे, 4 क्यों, यहाँ पे हो गया 200, यानी वो हमारा 800 ग्राम तोल कर देता है, क्यों, क्योंकि वो तो 1000 पे 1000 रियल वेट है वो उसी पे बेच रहा है, तो हमारा एसपी हो गया, और जितना कम तोल कर देगा वो मेरा सीपी हो जाता है, तो 4 से 5 कर दिया तो हमारा 800 ग्राम तोल के दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखा जाए, कहता है कि राजेश एक मशीन खरीदा 5000 में और 250 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे दिया, मतलब कि कहने का मतलब हो गया सीपी उसका जो हो गया खर्चा कितना हो गया 5000 और 5250 हो गया, यानी ठीक है वो 5250 रुपया खर्च करा, इफ ही सेल्स द मशीन इतना में, और वो मशीन को बेच दिया, मशीन को कितना में बेच दिया, वो बेच दिया आपको मशीन इतना में बेच दिया, ले तो उसको तो नुकसान हो गया, इतना में नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया 10 में से 5, 14 में से 7 गया 7, 1, यानी 175 रुपये का नुकसान हो गया उसको, कितने पे नुकसान हो गया, वो खरीदारी कितना किया 5250 पर, इंटू आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर देंगे 0 कर दो, ठीक है 5 से काट दो, ऐसे 25 से काट दो, 25×75 से और 25×2=50 एक बार में, यानी 7×21, यानी आप चाहो ये 0 करने दो, यानी 100/ आपका कितना हो गया 30 हो गया, यानी 100/30 एक छोड़ दो, 100/30 का मतलब ऐसा देखो यहाँ पे 1/100/3 का मतलब होता है 33.33% हो जाएगा,
लेकिन हमारा 30 है, 30 से भागा करोगे तो 0.1 तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा, इतना परसेंट ग्रोथ। जैसे मैं समझाता हूँ, एक जैसे 100/3 अगर 3 है, 3% है, तो इसका होता है 33.33% हो जाता है, ये होता है। लेकिन जैसे ही इसको एक डेसिमल पर करोगे तो ये आगे एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा, 3.33% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अगला सवाल के लिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इफ 60% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द अनदर नंबर। तो आसान है ये, तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन डी दिख रहा है, या तो फिर ऐसे बना लो 60% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 60%, ठीक है, एक नंबर का 60%, अनदर नंबर का 3/4 के, 3/4 का मतलब 75% के बराबर है। 3/4 का मतलब कितना होता है, 3/4 का मतलब 50, यानी 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, यानी हमारा रेशियो लोग एक्स रेशियो बाई क्या होगा, हमारा 5:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला सवाल के लिए। अगला सवाल दिया हुआ है, कहता है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस आर्टिकल दिया हुआ। देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आर्टिकल दे रखा है, रेशियो दे रखा है, यानी सीपी और एमपी का रेशियो दे रखा है कितना, वो रेशियो 7 दे रखा है, ठीक। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर रेशियो 7, डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन द मार्क प्राइस। अब देखिए मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देता है, तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देता है, तो 25% डिस्काउंट का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 है तो डिस्काउंट दिया कितने का, 1 का, तो बचा 3 में, यह बिक गया, ये हमारा एसपी हो गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो देखिए एमपी को बैलेंस कर लीजिए, तो 16:28 क्या हो जाएगा, 21 आ गया, ठीक है। चलिए तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लो 16 का सामान 21 में बिका, मतलब 5 का प्रॉफिट हुआ, यानी यहाँ पे 50 का प्रॉफिट हुआ। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस बचाओ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 16 हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 16 हो जाएगा, यानी काट दोगे 160 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन सवाल को देख लीजिए। कहता है कि एक शॉपकीपर क्लेम दैट द सेलिंग सुगर एट 27 रुपया, विच गेन कॉस्ट हिम 30 रुपया। मतलब एक दुकानदार कहा, देखिए ऐसा सवाल मैं कर चुका हूँ, एज ए रियल वेट, रियल वेट कितना था। कहता है कि एक दुकानदार क्लेम दैट सेलिंग सुगर एट, एक दुकानदार का हम 27 रुपया किलो बेचते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी कीमत कितनी थी, 30 थी। तो सीपी था, वो बेचना कितना में जा रहा था, वो बेचना चाह रहा था 27 में, ठीक है, चलिए 27 में, बट ही 750 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ, देखिए यहाँ पे समझिए, मैं यहाँ से वो रियल वेट, रियल वेट 1000, लेकिन वो तौल कितने का रहा, तौल कितने का दे रहा है, 750 ग्राम का, क्लियर है। मैं यहाँ से बैलेंस करूँगा, ठीक है, यहाँ से देखिए बैलेंस कर दीजिए, 0 से 0 ख़त्म कर दिया, और काट दीजिए अगर आपकी मर्जी है तो, ऐसा काट दीजिए 25 या 75, 25 × 100। तो मैं इसको बैलेंस करूँगा, इसमें 4 से गुना कर दूँगा और इसमें मैं 30 से गुना कर दूँगा, हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 30 × 90, 30 × 20 से 27 × 78 से, ये हमारा सीपी हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ था, अरे भाई 90 का सामान 108 में बिक रहा है तो प्रॉफिट होगा, कितने का समय प्रॉफिट हो गया, आपको पता लग गया होगा कि 20% आ जाएगा, 18 का प्रॉफिट हो गया, 90 पर इंटू हमारा 100 कर देंगे, 18 × 5 = 90, 1/5 का मतलब होता है 20% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अगला सवाल के लिए। अगला सवाल कहता है कि एक वस्तु को 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड आर्टिकल इज इक्वल टू 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस। वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, ये तो क्या आसान है, ये तो आसान है। किसी भी कॉस्ट प्राइस का दिया हुआ 40% और उसके एसपी के 30% के बराबर, यानी रेशियो लोगे सीपी रेशियो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो कैंसिल आ जाएगा। तो कहता है कितने का गेन हुआ, तो 1/3 का, 1/3 का मतलब आप समझ चुके हो क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 33.33% हमारा गेन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि यहाँ पे देखिए, कहता है हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सुगर बैग वाज सोल्ड प्रॉफिटेबल। मतलब जो भी आपके पास सुगर था, जो भी सुगर था उसको हाफ को आपने बेचा है 20% प्रॉफिट पे, ठीक है, और 1/4 को बेचा है, तो आप हाफ 1/4 का आप एलसीएम ले लो, क्वांटिटी का एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा 4, तो टोटल 4 का 1/2 कितना होगा 2, और कितना होगा 1,
दो एक तीन, बाकी बचा बन, टोटल हमने लगा दिया कितना, चार, गुड। अब जरा से देखो, कहता है कि 1/2 को 20% प्रॉफिट पर बेचा है, 1/2 को 20% प्रॉफिट का, 1/4 को 16% प्रॉफिट पर बेचा, यो चलो गुड, और रिमेनिंग को 24% प्रॉफिट पर बेचा है, रिमेनिंग को 24%, हम वेटेड एवरेज लगा देते हैं, तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल कितने का हो गया, तो देख लो, मैं यहाँ से गुना करूँगा, 40 + 16 + 24 = 4x, मुझे पता है कि आंसर 4 × 24 = 40 × 40 = 80/4, यानी हमारा x बराबर टोटल हमारा हो गया 20% का गेन हो गया। तो भी वहाँ पे दिया 90 का गेन हुआ, तो सीपी पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ 90 का गेन हुआ, 90/20 × 100 हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा, 2/2500 = 450 हमारा वेटेड एवरेज लगा दिया मैंने, वेटेड एवरेज लगा के निकल गया, ये हमारा सीपी है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा लिखना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पे सीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ पे दिया, बाय सेलिंग फॉल्टी बेट, शॉपकीपर चीट्स द एक्सटेंड ऑफ 6% वाइल बाइंग, आसान था, खरीदते समय 6% बेचते समय 6% का करता है, तो हमने यहाँ सक्सेसिव लगा देना, 6% + 6% + 6 × 6/100 हो जाएगा, यानी 12.36% आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऐसे कुछ दिया उन्हें तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, कुछ ऑप्शन दिया नहीं, 12.36 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कहता है कि दो हाथों से गुजरने वाला टेबल फैन क्रैमल पर 30% लाभ पर बेचता है, कहता है एक टेबल फैन है जो पासिंग थ्रू टू हैंड्स इज सोल्ड फाइनली एट अ 30% प्रॉफिट, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस द फर्स्ट डीलर मेक ए 20% प्रॉफिट। देखिए कहता है दो हाथों पे बिका, मतलब ये एक सीपी, एक इसको दिया, फिर इसको दिया, फाइनल में क्या हुआ कि 100 रुपया था, फाइनल में मुझे फाइनली एट ए प्रॉफिट, फाइनली में मुझे 130 रुपया में बेचा, जब पहला बार मैं इसको बेचा था तो 25% प्रॉफिट में बेचा था 125, फिर है, फिर दूसरा आदमी को जब मैं इसको बेच रहा हूँ, मैं देखिए पहला मेरा सीपी 100 था, बाद में मैंने क्या किया, इसको 25% प्रॉफिट पर बेचा, फिर ई आदमी क्या किया, इसको बेचा, भाई भाई तो ई आदमी इसको 130 रुपया दिया कि ले तुमको 130 रुपया देते हैं, तो एक्चुअल में सेकेंड को आदमी को कितने परसेंट प्रॉफिट पर उसको बेचा, ठीक है, तो 5 पे बेचा, 125 पे, 5 का प्रॉफिट हुआ 100 पे, 5 मतलब हो गया 25, 1/25 का मतलब होता है 4% हमारा प्रॉफिट हो गया, 4% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये तो आसान था, कहता है वेंडर है जो बॉट ऑरेंज 5 for 15, 5 रुपया में 15 रुपया दिया हुआ, 5 for 15 rupees, 15 रुपया में 5 के रेट से ख़रीदा, यानी एक का दाम 3 रुपया, एंड सेल्स देम, देखो बच्चा मेरे, मैंने हमेशा सिखाया है कि आर्टिकल को इक्वल होना चाहिए तभी होगा, आप यहाँ पे प्राइस लिखो और यहाँ पे आर्टिकल लिखो, तो कहता है कि 5 for 15, यानी 15 में 5 को आपने ख़रीदा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 में 1 ख़रीदा, ये हमारा सीपी हुआ, ये हमारा सीपी हुआ, एसपी कितना हुआ, एसपी को कैसे कहा था उन्होंने, उसमें क्या है कि 5 रुपये में 3 के रेट से बेच रहा है, तो मैं यहाँ पे आर्टिकल को इक्वल करूँगा, यहाँ से मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करने का यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पे 5, हम प्रॉफिट और लॉस तभी निकाल सकते हैं जब तक हमारा आर्टिकल सेम ना हो, तो बताइए 15 × 3 = 45 और हो गया 25, तो हमने क्या किया, इसको हमने लॉस पे बेचा, 45 का सामान हमने 25 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हो गया मुझे, तो हमारा जो लॉस हो गया, हमारा जो लॉस 25, 15 + 20 का लॉस हो गया, किस पर हो गया, 45 पर हो गया, 45 पर इंटू हमारा क्या हो गया, 100 हो गया, 5 से काटोगे 9 आ जाएगा, यानी 400/9% आपका आंसर आ जाएगा, 409% का मतलब हो जाएगा 9 × 36 और 9 × 36 यानी 44 होल ये निकल जाएगा, 44 होल 4/9% देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन का ही मिस्टेक हो, बाद बाकी प्रोसेस सही है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल के लिए, कहता है कि पेन पासिंग थ्रू ए हैंड्स, फिर वही सवाल है, एक वो कलम है जो दो हाथों से बिका है, मतलब वही जो समझाया मैंने कि अगर सीपी मेरा 100 है तो पहला आदमी को मैंने बेचा, फिर इसको बेचा, ये इसको मैंने इसको बेचा और ये इसको बेचा, ठीक है, डीलर, फिर कहता है कि जो मेरा मुझे टोटल का प्रॉफिट हुआ है 140, मतलब ये 140 रुपया लास्ट में इसको मिला, फर्स्ट को मैंने 20% प्रॉफिट पर बेचा 120 पे, मैंने इसको 120 पे, तो ए कितने प्रॉफिट पर बेचा, तो इसके लिए तो ए सी पी हो गया,
और ये क्या होगा, एसपी हो जाएगा, इसके लिए सीपी हो गया। तो कितने का बेचा है, यानी 24 का बेचा है, 24 120 इंटू 100 यानी 24 25 80, ए 1/5 का मतलब हो जाता है 20% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल कहता है कि इफ 15 kg मूल 625, ये तो आसान है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। 15 kg चीनी का मूल 600 था, 1 kg चीनी का आप निकाल दो, 1 kg का आप निकालोगे तो क्वांटिटी से भाग कर दो, यानी हमारा कितना होगा 40 रुपये आ गया। तो पूछा है कि 25 kg चीनी का दाम बताओ, 25 kg चीनी का दाम क्या होगा, तो 40 × 25 हो जाएगा, यानी 25 × 100 यानी 1000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला सवाल के लिए। अगला सवाल देखिए, कहता है कि गिरी ने पुरानी मशीन 2000 में ख़रीदा और उसके मरम्मत के लिए 5000 रुपया खर्च किए, यानी 2500 रुपया हो गया, 2500 रुपया हो गया, 2500 रुपये उसका सीपी हो गया, है ना, और वो 4000 में इसको बेच दिया। कितने में बेच दिया, 4000 में इसको बेच दिया। तो 4000 में उसको बेच दिया तो आप इसका रेशियो ले लो। तो पूछ रहा है कि कितने का मुझे फ़ायदा हुआ, तो 3/5 मतलब होता है हमारा 60%, हमारा 60% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल के लिए। अगला सवाल कहता है कि पुनीत सोल्ड आर्टिकल 21750 50% लॉस पर एंड पुनीत सेल्स आर्टिकल 30%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। ये तो आसान था, यानी पुनीत ने 21750 रुपया में उसने सोल्ड किया, जो 50% लॉस है तो सेलिंग प्राइस 50 हो जाएगा, और वो कहता है 30% लॉस पे बेचना चाहता है, तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, फिर 500 × 20 5 × 15 = 25 0 × 7 = 35 और 7 × 21 24 × 28 2 × 30 3 4 5 0 आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे पूछ रहा है क्या, तो हानि पर बेचा तो बिक्रया मूल्य कितना होगा, मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया क्या, 21750 पुनीत सोल्ड एन आर्टिकल, ओहो सॉरी मैंने इंग्लिश से बना दिया, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है वो मैंने इंग्लिश से बना दिया। आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना तो मेरा आंसर नहीं आ रहा, कि प्रोसेस मेरा सही था। आप इस सवाल को कर सकते हो, इस सवाल को जो था मेरा अच्छा, वो पुनीत वाला मैं देख लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन से डिलीट हो गया वो, आप वो सवाल को जो पुनीत वाला सवाल था ना वो मैं कर देता हूँ। पुनीत वाला सवाल जो है कहाँ पे गया, पुनीत भाई साहब, हाँ ये रहा, रुक जाए। कितने नंबर क्वेश्चन था, मेरे स्क्रीन पर से चला गया, चलिए देखो आ गया। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने यहाँ तो कर दिया 27 30, ये भी हो चुका। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है लगभग मैंने पहुँचा दिया, देखिए हाँ 1750 कर लीजिएगा, देखिए 1750 रुपया में मैंने इसको बेचा है, 1750 रुपया है, 1750 है, और पुनीत वाला क्वेश्चन है 1750, यहाँ पे 50 हो जाएगा, और आपसे पूछा है कितने परसेंट प्रॉफिट आपको चाहिए, प्रॉफिट आपका लॉस पूछ रहा है शायद, 30% लॉस पे, 30% लॉस पे हमारा 70 हो जाएगा, यानी काट लो यहाँ से आ जाएगा यार 35 × 75 से 7 × 25 35 और 7 × 21 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। कहता है कि एक ए नाम का बंदा है जो 900 का एक बैग खरीदा और एक बोतल खरीदा, उसने क्या किया, बोतल को 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया और बैग को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो उसे कुल 160 रुपये का, यानी टोटल प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 160.80। तो देखिए मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, सीपी आपका दिया हुआ है 900, ठीक है 900 आपका सीपी दिया हुआ है, तो मैं गाय मुर्गा लगा लूँगा, क्योंकि मैं ये बोतल है, पहला बैग है और एक बोतल है, बोतल के यहाँ पे दोनों एक में टीक लगा देता हूँ, बोटी हो जाएगा। अब इसको मैं पढ़ लेता हूँ 12 + 8%, ऐसा मैंने पढ़ाया हुआ है 12 + 8,
तो सारे को मैं 12% पे बेचूंगा, तो आप मुझे बताओ 900 का 12% अगर आप निकालते हो तो मेरा कितना हो जाएगा, 108 आ जाएगा। अब 108 रुपया मैं इसमें माइनस करूंगा तो मेरा डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 0, 8, 10, 60 गया 2 और हो जाएगा ये आ जाएगा गुड, ठीक है, इतने का। और मेरा वहाँ कितना हुआ, 8 का हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ वहाँ पे 8, यानी ये हो गया 280, यहाँ 8 का डिफरेंस हो गया, इनटू आप मैं 100 कर दूंगा, मेरा एक बोतल का कीमत निकल जाएगा। मैं काटूँगा 8 6 48 4 8 6 48, 660 आ गया, यानी हमारा बोतल का कीमत निकल गया 660। और पूछा है अर्जित क्या, तो बोतल का क्रयमूल ज्ञात करना है, 8 6 48, बिल्कुल बोतल का क्रयमूल, ये तो मैंने क्या निकाल दिया, सुर में क्या था, बैग और एक बोतल था, तो बैग और बोतल को, अच्छा बोतल को 12% लाभ पर, अच्छा ये मेरा निकल गया बैग, मैंने गलत लिखा, ये निकल गया बैग, आई है बोतल, तो मेरा बैग निकल गया, बैग का निकल गया 660 रुपया, यानी बैग का निकल गया 660 रुपया, तो बोतल का निकाल दो भैया, 900 में मैं 660 को माइनस कर दूंगा, 0, 10 में से 6 गया 4, 240 रुपया आ जाएगा, क्लियर है, तो मैं इसको क्लियर हो गया, बात समझ में आया, मैंने यहाँ पे कर दिया, थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा घिचपिच हो गया है, थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 रुपये में कॉलिन को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लॉस हुआ, 20% को, ये तो सीधा सीधी हुई है, 360 रुपये में बेचा है, 10% का उसको लॉस हुआ है, 20% का गेन करना है भैया, कितना कितना में बेचना पड़ेगा उसको, काट दीजिए, 9 6 36 12 6 48, 480 रुपये उसको हो गया, ठीक है, 480 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखिए, ए हेलमेट को 10% लॉ पर 1650 रुपये में बेचा जाता है, यदि वो 2100 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा, देखिए 1650 रुपये में बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, इस बार मुझे परसेंट में पूछ रहा, तो उल्टा कर दीजिए, 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया, मतलब आप ऐसा करो 110/1650, और पूछा है कि 2100 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, ये पूछा, ठीक है, गौर करो यहाँ से, अगर आप काटो 0 से 0, 11 से काटो, एक बार में 11 5 55, 15 से काटोगे इसको, यानी एक बार में 15 6 60, यानी देखिए इतना परसेंट आपको बेचना पड़ेगा, मतलब सीपी मेरा होता है कितना 100%, तो एसपी कितना हुआ मेरा 140%, मतलब गेन कितना हो गया मेरा 40% का गेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि शिवानी परचेज पेन 600 रुपया सेल द फाइव पेन एट द रेट ऑफ 50 पर, ठीक है, शिवानी कितना किया, शिवानी 5 गो पेन खरीद लिया 600 रुपया में, और उसने बेचा कैसे, तब 5 गो पेन भी बेचना, जितना खरीदा उतना बेचना भी है, उसने 50 रुपया पर पेन के बेचा, तो 50 रुपया में पर पेन, एक पेन का 50 रुपया, 50 × 5 मतलब कितना हो गया, 250 रुपया हो गया, तो पूछ रहा है ना उसको कि कितने का लॉस हो गया, अरे ठीक है लॉस हो गया, तो आप ऐसा करो सीपी एसपी को, तो आप देख लो 250 और वहाँ पे हो जाएगा 250, यानी 350 का लॉस हो जाएगा, यानी 350 का लॉस हो गया, मुझे लॉस कितने का हुआ, लॉस हो गया मुझे 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में 2, 350 का लॉस हो गया, कितना 600 इंटू आपका 100 कर लोगे, काट दोगे आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ से काटोगे 6 5 30 और 6 3 18, 53.33% मुझे दिख रहा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखिए, कहता है कि 27 वस्तु द कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, तो ये फिर वही सवाल है, 27 का सीपी इक्वल टू आपका दिया हुआ 18 का एसपी के बराबर है, यानी सीपी रेशियो एसपी बराबर क्या होगा, 18 रेशियो आपका 27 हो गया, यानी काटोगे 2 रेशियो 3 आ जाएगा, बट हाफ का प्रॉफिट हो गया, 100 × 50% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल कहता है एक वस्तु को 14% लॉस पर बेचा जाता है, यदि हानि वस्तु के क्रय मूल्य, देखिए 14% लॉस पर बेचा गया, 14% लॉस का मतलब हो गया 2/5, वस्तु को 14% हानि पर सोल्ड किया गया, यानी सीपी हो गया, आई हो गया लॉस, यानी एसपी मेरा कितना हो जाएगा, एसपी मेरा हो जाएगा 7, ठीक है, तो पूछ रहा है ना, तो वस्तु का विक्रय मूल्य के लगभग कितने परसेंट का लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस पे पूछ रहा है, 2/7 × 4 पूछ रहा है ना कि विक्रय मूल्य पे कितने परसेंट का लॉस हुआ, मुझे पता है 1/7 का मतलब हो जाता है आपका 14.28, यानी हो जाएगा तुम्हारा, भाग कर दोगे
यही तो पूछा 40% का हानि हो जाए, तो हानि राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना परसेंट है? ठीक तो है, यानी टू लॉ टू मेरा लॉस 5 CP यानी SP, ओ माई गॉड SP मेरा 3 होगा, सॉरी गलती मैंने कर दी, यहाँ से मिस्टेक हो गया मुझे, SP मेरा 3 हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे लॉस हुआ है, मैंने गलती किया। तो कहता ना कि आप बताओ लॉस सेलिंग प्राइस पे कितना होगा, तो मुझे लॉस सेलिंग प्राइस पे कितना, 2/3 का मतलब हो जाता है 66.66% आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने गलत कर दिया था, मुझे SP निकाल दिया, जबकि मुझे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पे कितना होना चाहिए। तो जब मुझे लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस तो ऑटोमेटिक मेरा छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल द प्लेट का सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य का 40% है, या CP अगर 100 है तो SP 140 है, तो पूछ रहा है प्रॉफिट कितने का होगा, 40% का प्रॉफिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहता है कि किसान ने गाय खरीदा 15,000 में खरीदा है और उसके बाद 18,500 में बेच दिया है, ठीक है 18,500 में। तो भैया यहाँ पे सीपी का चर्चा हो रहा है, मैं सीपी का चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है सीपी पे चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए सवाल वहाँ पे दिया हुआ है कि उसने गाय को ख़रीदा है कितने में, दिया हुआ है एक लास्ट क्वेश्चन है, 15,000 में उसने ख़रीदा है, तो यहाँ पे सीपी लिख देता हूँ, पहले 15,000 ख़रीदा है, ठीक है बेचा कितना में, बेचा उसने हमारा 18,500 में, ठीक है भैया 18,500 में बेचा, प्रॉफिट कितने का हो गया, 15,000 का तो 3,500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है 3,500 का प्रॉफिट हो गया। फिर उसने 19,000 में ख़रीदा, ठीक है ये भी सही बात है, चलो उसने 19,000 में ख़रीदा और फिर कितना 22,300 में बेच दिया, 22,300 में बेच दिया, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, तो 19,000 में किसा 22,300 में बेच दिया, तो हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट कितने हो गया, तो हमारा 3,3300 का प्रॉफिट हो गया, 3,300 का हो गया, ठीक है तो 3,300 का प्रॉफिट हो गया। तो आपसे पूछ रहा ना उसके कितने प्रॉफिट हो गए, तो भैया कुल कितने प्रॉफिट हो गया, 0,0,5,3,8,3,300 का प्रॉफिट हो गया, 6,800 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर 15,19,34 पर, 34,000 पर, इनटू आपका 100 कर देंगे, 00 से 00 काट दोगे, 10 से 10 काट दोगे, 34,268 मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया, हमारा क्या हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला सवाल देखिए, कहता है कि फिर वही सवाल आ गया है, बार बार एक ही सवाल है, एक आर्टिकल को 25% लॉस पर सोल्व किया, इफ़ इट्स कॉस्ट प्राइस इज डबल एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय, बहुत मस्त क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया एकदम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को एकदम ध्यान से लेके तरीका सीख जाइएगा, एक आर्टिकल को 25% लॉस पर बेचा, तो CP हमारा कितना होता है 100% का, मैं इसको आराम से बनाऊंगा, 25% लॉस पर बेचा मतलब यहाँ पे हमारा 75% में सोल्व किया, गुड। फिर कहता है इफ़ इट्स कॉस्ट प्राइस इज डबल, यदि आपने कॉस्ट प्राइस को आप डबल कर दो, एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 600 और सेलिंग प्राइस को 66 से इंक्रीज कर दो, गुड हो गया, देन द प्रॉफिट ऑफ 20%, तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया 20% हो गया, मतलब CP 100 तो नया SP, देखिए यहाँ पे पहला CP 100 था और पहला SP 75%, फिर पहले वाले CP को डबल किया और फिर पहले वाले SP में 660 जोड़ा, तो नया परसेंट प्रॉफिट 20%, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे जो मैं लिखा नया CP नया SP, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको काट दूँगा भैया, ऐसे कट जाएगा, कट गया, देखो ये परसेंट है मेरे भाई, ये परसेंट अभी यहाँ से देखिए, तो 240% बराबर 75% प्लस आपका 660, यानी मैं यहाँ से गुना करूँगा, 10 में से 5 या 5, 13 में से 7 या 6, 165% बराबर 660। तो आपसे पूछा है वस्तु का रियल मतलब 100% निकालना, तो देखिए
मैं कह सकता हूँ 33 55 68 से 33 2 66 5% बराबर 20, इसको 100% बनाना, तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, 5% बराबर 20, तो 100% बराबर 400, हमारा क्या हो जाएगा 400 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसान से समझना इस मेथड को, बड़ा अच्छे से बताया मैंने इसको, ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करना, इसको क्वेश्चन आया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ए और बी का सेलिंग प्राइस इक्वल है, चलो ठीक है, ए को 28% प्रॉफिट पर, बी को 24% आपका लॉस पर बेच दिया, दोनों का देखो। तो आपका जब एस पी इक्वल हो, तो मैं पढ़ाया हूँ यहाँ पे, जब एस पी इक्वल हो तो एस पी बराबर मेरा क्या होता है, एस पी बराबर होता है सी पी इंटू परसेंट एस पी, क्लियर है, ये कॉन्स्टेंट तो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया। तो परसेंट एस पी ए और बी का चला गया, कैसे चला गया, परसेंट एस पी 28% का लाभ पर 128 हो जाएगा और यहाँ पे 24% का लॉस है, मतलब 76 आ जाएगा। तो सी पी मेरा इसका इन्वर्सली हो जाएगा, 76:128 हो जाएगा, यानी काटोगे यहाँ से 419, 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दो 9, 32 हो गया। तो मुझे दिख रहा है कि सी नंबर ऑप्शन होने वाला, काटने वाला, क्योंकि ऑप्शन देख लीजिए 19:32 से ही आने वाला है आपका, ख़त्म कहानी हो जाएगा, आंसर आपका सी निकल जाएगा। या इतना के बाद अगर नहीं करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ से बात मैं कर देता हूँ, आपका कर लेना, यानी वहाँ पे दिया हुआ है तो पूछ रहा है ए और बी का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, तो ए और बी का कॉस्ट प्राइस बताना। तो देखिए अब इस सवाल में मुझे कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो ले आया, अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इतना नहीं करेंगे, सीधा सीधा ऑप्शन मुझे दिख गया भैया कि यही आने वाला है, क्योंकि 19 का मल्टीपल एक ही जगह दिख रहा है और 32 बस मुझे दिख रहा है, आंसर हमारा ये हो जाएगा, बाद बाकी लेना देना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कहता है कि ए पर्सन आर्टिकल ए लॉस ऑफ 18% इफ इज इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 144। देखें फिर वही सवाल है आपका दिया हुआ है, देखें सीपी कितना होता है, 100% होता है, सीपी 100% होता है, फिर 18% ए पर्सन कहता सेल एंड आर्टिकल ऑफ लॉस ऑफ 18%, 18% का मतलब हो गया 82% पे उसने सॉल्व किया, ठीक है। इफ इज इंक्रीज द सेलिंग प्राइस रुपीज 144 एंड डिक्रीज द कॉस्ट बाय 30%, यदि न बढ़ा देता था क्रैमुल को, थोड़ा सा गलत दिखा, क्रैमुल को 30% से घटा दिया जाए, नहीं नहीं 30% नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस को उसने 30 कम किया है, ठीक है, इंग्लिश से बना लीजिएगा, और सेलिंग प्राइस को 144 से बढ़ा दिया, वो गलत लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो गलत लिखा हुआ है, तो आपका 20% का लाभ होता है, 20% का मतलब हो जाएगा आप 100 से 120 कर दो 120। फिर वही सवाल जो पीछे बताया आपका, बी 500 बी 26 20, आप क्रॉस गुना करो, यानी 600% माइनस 180 बराबर 5 2 10 8 5 40 41 इतना परसेंट प्लस 4 5 20 14 5 70 72 परसेंट को आप एक तरफ कर लीजिए 0 10 में से 11 9 5 में से 4 1, ठीक है, उधर जाएगा मेरे भाई 180 ऐड हो जाएगा 0 8 2 10 7 1 8 1 9 इतना जाएगा, ठीक है, 0 8 2 10 7 1 8 9 यानी 600 हो जाएगा 600, ठीक है 600% 180 गुड सही है, यानी 5 2 10 8 5 40 41 4 5 20 14 5 70 72 वो भी सही है, यानी 0 10 में से 1 9 5 में से 4 190 यानी हो जाएगा, और इधर ऐड होगा 0 8 2 10 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है 8 2 10 7 1 8 7 1 8 1 9 हो जाएगा गुड, यानी हमारा इतना परसेंट आया 0, यानी 1% बराबर होगा 90/19 आ गया, ठीक। और आपसे पूछ रहा है ना, तो मूल विक्रय मूल्य क्या होगा, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा,
ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 18% लॉस पर, मतलब 82 हो जाएगा, 82। कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेक लग रहा है मुझे, ये क्या दिया, 30% दिया हुआ है, यहाँ से 30 दिया हुआ है, अच्छा दोनों में दिया हुआ 30%। तो इस सवाल को मैं देख लेता हूँ, इस सवाल को क्या कर रहा है भाई, यहाँ से मैंने क्या किया, रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इसको रुक जाइए, जरा सा कहता है एक 18% लॉस पर बेचा, ठीक है, अगर 100% है तो 18% लॉस पर मेरा कितना हो जाएगा, 82%, वो भी सही है। यदि विक्रय मूल्य को 144 से बढ़ा दिया जाए, बहुत अच्छी, वो भी हो जाता है, और इसको 30% से कम कर दिया जाए, ठीक है, 30% से कम कर दिया जाए, अच्छा बराबर, तो 20% लाभ होता है, 100 से 120 हो गया, यानी कह सकते हैं 5 से 6 हो गया, तो मैं यहाँ से गुना करूँगा, यानी 70%, 420% हो जाएगा, गुना करोगे क्रॉस तब, क्योंकि 100% में 30% गया, और यहाँ से गुना करोगे 5 × 9 = 10, 8 × 5 = 40, 1 = 41, इतना परसेंट प्लस 4 × 5 = 20, 720 आ जाएगा, यानी हमारा बाबू कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, 10% बराबर 720, 100% बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 7200 आ जाएगा, 72000 सॉरी आ जाएगा, 72000 आ जाएगा। अब कहता है 18% लॉस पर, 18% लॉस का मतलब हो गया 72000 बाय 100, 18% लॉस का मतलब हो गया 82 हो गया, यानी यहाँ से गुना कर लोगे, यानी 72 × आप 82 कर लो, 2 × 4 = 7, 2 × 14 यानी 8 × 16 = 8, 7 = 56, 1 = 57, 4 × 4 = 10, 7 + 8 = 9, 5 यानी हो जाएगा 59040 आंसर हो जाएगा। तो हमारे मैंने वहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, वहाँ पे शायद पढ़ने में मैंने गलती कर दिया, यानी 100% था वो 30%, 100% सेलिंग प्राइस, 18% लॉस पे 82%, फिर 30% को माइनस किया, फिर कहा 144 बढ़ा दो, फिर मैंने सॉल्व कर दिया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल देख लो, अगला सवाल क्या है भाई, कहता एक, ये तो आसान है, क्या है क्या है? आपका 2800 दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को प्रतिशत मिला 20% है, यानी आपका जो दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस एन आर्टिकल 18 है, प्रॉफिट एज परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस 20%, यानी हमारा यह दिया हुआ है, यानी हमारा दिया तो पूछ रहा है निकालने का वास्तविक लाभ का मान, रियल प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। जैसे देखिए, तो प्रॉफिट उसने किया है ना एसपी पे किया है, ईएसपी हो गया, और ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा, सीपी मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 2800 रुपया यहाँ तो हो गया 4, पूछ रहा है कि एक्चुअल लाभ कितना होगा, एक्चुअल लाभ कितना होगा 1, तो मेरा कितना हो जाएगा 700 रुपया आंसर हो जाएगा। अरे सर, हमारा जो क्या है ना कि 20% प्रॉफिट एसपी पे किया उसने, तो आपका एसपी 5, प्रॉफिट 1, सीपी 4, तो एक्चुअल लाभ पूछ रहा है, तो 2800 का तुलना 4 से कर दिए, एक्चुअल लाभ कितना होगा, 4 के समान 5 में भी कहते हैं 1 लाभ हो जाएगा, यानी 700 रुपया हमारा हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन शायद है, ऋतु 4800 रुपये में बेचा है, 20% लाभ हुआ, दूसरे पर 20% का लॉस हुआ, फिर सेलिंग प्राइस भी हुआ, पहला भी क्वेश्चन वही, आखिरी भी क्वेश्चन वही, जब सेलिंग प्राइस बराबर हो तो हमारा एक्स स्क्वायर बाय 100% का ओवरऑल लॉस होता है, तो 20 × 20 / आपका 100, यानी हमारा हो जाएगा 4% का लॉस हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, हमारा क्वेश्चन को पूरा हुआ, अब